वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडे वाली मुर्गी के बारे में। मुर्गी कई बार क्या होता है कि हमारी अंडा देना बंद कर देती है, अंडे दे रही है बराबर और उसका समय भी पूरा नहीं हुआ और उसके बावजूद भी अंडा देना वो बंद कर देती है। तो उसको हम दोबारा अंडे पर कैसे लाएँ और क्या कारण है जिससे मुर्गी अंडे से बंद हो जाती है, आपको एक दो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अगर उस चीज़ को आप करेंगे तो आपकी मुर्गी अंडे बहुत ज़्यादा अंडे देगी और कभी भी अंडे से नहीं रुकेगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अंडे से मुर्गी रुकती क्यों है। देखो जैसे मौसम चेंज होता है, मान लो जैसे बरसात है, बरसात के बाद में सर्दी आई या सर्दी के बाद एकदम गर्मी आई, जैसी मौसम चेंज होता है बर्ड को गर्मी जैसे सर्दी वगैरह लग जाए। अब जैसे बरसात थी और गर्मी भी थी और एकदम सर्दी आई है, तो क्या होता है कि दिन में तो गर्मी रहती है और रात को जो सर्दी हो जाती है, तो बर्ड को क्या है कि अभी हम पर्दे वगैरह से नहीं ढकते तो उसमें जो है सर्दी लग जाती है बर्ड को, उससे बर्ड अंडा देना बंद कर देता है। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि अभी अपने फार्म को जैसे ही आपको लगे कि हाँ अभी सर्दी होना शुरू, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है अब नवंबर का महीना, इसमें सुबह शाम की सर्दी हो ही जाती है, इसमें आप क्या करें कि अभी अपने फार्म को पूरा आप तिरपाल वगैरह से अच्छी तरीके से कवर कर लें जिससे कि अंदर हवा ना जाए। ठीक है, पहले तो कोशिश करें कि आप हवा अंदर ना जाए और तिरपाल से कवर कर लें उसको। उसके बाद अगर मान लो आपने कि बर्ड को ठंड लग गई है तो आप क्या करें, आप लहसुन लें और लहसुन को आप छील के छोटे छोटे उसके पीस करके आप अपने बर्ड को खिलाएं। ठीक है, लहसुन बहुत अच्छी चीज़ है, उससे डिवर्मिंग वगैरह भी हो जाती है बर्ड की और बर्ड जो है अंडे भी देता है अच्छा। अगर सर्दी लग गई है तो आप उसको खिला सकते हो, उसको आप भून के भी खिला सकते हो, लहसुन को भून के और सब बर्ड को आप खिला दो, जो नहीं खाता उसको पकड़ कर उसको मुँह में डाल दो, खा लेगा आराम से। और इसके अलावा हमने जो है बर्ड की कई बार क्या होता है कि पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं तो जो है अंडा नहीं बनता, पेट में बनता है तो कई बार कच्चा अंडा देती है, छोटा अंडा देती है, क्योंकि जो भी वो दाना खा रही है वो कीड़े सब कुछ ख़त्म कर देते हैं और बर्ड को दाना नहीं लगने देते। तो उसके लिए हम क्या करें, एक दवाई आती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो डिवॉर्मिंग करने के लिए हमारे पास एक सिरप है एल्बोमार, ये बहुत बेस्ट सिरप है डिवॉर्मिंग करने के लिए और इसकी डोज इसको ऊपर लिखी हुई है, इसको आप डॉग में लगा सकते हैं और बकरी मतलब भैंस बकरी भेड़ पोल्ट्री डॉग सबकी सभी चीज़ में लगा सकते हैं। तो इसमें पूरा जो है इसका लिखा हुआ है 30 से 45 ml फॉर 100 बर्ड, मतलब 30 से 45 ml के करीब 100 बर्ड पर लगाना है। अगर मान लो आपका 100 बर्ड है तो ये लगाना है। ये तो छोटी वाली शीशी है, इसकी एक बड़ी भी आती है और ये बहुत सस्ती है, करीब 35 रुपये की है, ये लिखा हुआ 40 रुपये लेकिन 39.5 रुपये, बाकी ये जो है 35 रुपये की आ जाती है। तो ये इस तरीके से ही हमें देनी है। ये देखिए सब लिखा हुआ है इस पर, शीप एंड गोट 3 से 5 ml 10 किलो पर बॉडी वेट पे और पोल्ट्री में जो है 30 से 45 ml फॉर 100 बर्ड। अगर आपके पास 100 बर्ड है तो 30 से 45 ml तक आप दे सकते हो। बापू ना, अब हमारे पास जो है 50 बर्ड है तो हम कैसे देंगे, हमारे पास एक सिरिंज है 5 ml की, ये वाली 3 सिरिंज भर के हम इसके इसमें के अंदर हम पानी डाल के इसके अंदर डालेंगे। तो ये आप देखिए ये 5 ml है, ऐसे ऐसे हमें 3 सिरिंज इसके अंदर डालनी है। तो ये आप देख सकते हो दवाई हमने इसके अंदर मिला दी है और हम इसमें अब पानी मिला देंगे। ये करीब वही 8 लीटर का जो ड्रिंकर आता वही है इसमें अंदर, इसमें हमने ये है इसके अंदर जो इस बर्ड पानी को अच्छी तरीके से पी लेंगे। तो ये देखिए बर्ड जो है पानी पीने भी लगा है। हमने क्या किया था कि जब हमें डिवॉर्मिंग इसकी करनी थी तो हमने बहुत देर पहले से पानी इसके पास से हटा दिया था, तो बर्ड अच्छी तरीके से प्यासा हो गया और वो जो पानी पे अब आ गया। आप देख सकते हैं पानी, सभी बर्ड खूब बढ़िया पानी पी रहे हैं। तो अगर उसके आप थोड़ी देर पहले पानी हटा देंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि बर्ड प्यासा हो जाएगा, आप जैसे ही पानी रखेंगे सही बर्ड अच्छी तरीके से पूरा झेक के दवाई का पानी ये पी लेगा। तो बस यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने बताया कि मुर्गी की डिवॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं और मुर्गी अगर आपके अंडे से रुक गए तो उसको आप क्या खिला सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।